आज हम बनाने वाले हैं ऐसा पास्ता जिसमें आपको पिज्जा, मोमो, चाउमीन तीनों का स्वाद मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। कढ़ाई गरम है, इसमें मैं डाल रही हूं लगभग 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो डाल सकते हो। फ्लेम को कर देंगे मीडियम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इन दोनों ही चीजों को हम कच्चापन खत्म होने तक फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी फ्रेंच बीन और थोड़ी सी कटी हुई गाजर। इन सभी चीजों को हम क्रंची होने तक पकाएंगे। सब्जियां पक रही हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पास्ते को ढेर सारे पानी में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा नमक डालकर पहले से ही पकाकर इसका पानी स्ट्रेन कर दिया था। अगर आप भी पहले से ही पास्ता को उबाल कर रख लेंगे और सब्जियों को अच्छे से काट लेंगे तो मिनटों में ही आप पास्ते को बना पाएंगे। सब्जियां क्रंच हो चुकी हैं, अब डालेंगे इसमें थोड़े से कॉर्न और शिमला मिर्च। इसे भी डालकर हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब डालेंगे इसमें मल्टीपर्पस चटनी जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया। इसे मैंने घर पर ही बनाया है। थोड़ा सा टोमेटो सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, 2 से 3 चम्मच सोया सॉस, 1 पाउच लिया है उसे भी हम डाल देंगे। मैजिक मसाले वाले पास्ता खाने का आनंद ही कुछ और होता है। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। दो मिनट भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे उबले हुए पास्ता। अब इसे भी हम ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से सारी चीजों को मिला लेंगे। अब डाल देंगे इसमें 1/2 कप पानी जिससे सारी सॉसेस पास्ता में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। अब इसे क्रीमी बनाने के लिए हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई और 2 से 3 चम्मच मेयोनीज सॉस। डालेंगे स्वादानुसार नमक। और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ ओरिगैनो। इसकी जगह आप चाहें तो पिज्जा के साथ जो हमें पाउच मिलते हैं उसे भी आप डाल सकते हैं। और डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स।
सारी चीज़ों को मिलाएंगे। लीजिए 10 मिनट में पास्ता बनकर तैयार है और बच्चे भी खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। अगर आप चीज़ खाना पसंद करते हैं थोड़ी सी चीज़ ग्रेट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे भी इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। जब तक आप पास्ता का आनंद लेंगे तब तक मैं दूसरी रेसिपी के साथ हाजिर होती हूँ। बाय बाय।